वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में, अर्थात एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम जो है, आरोही क्रम जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर, ये एसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब ये एसेंडिंग ऑर्डर है क्या? तो ये एक तरह से बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं। एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम को हम एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 1 लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे आगे अगर हम बढ़ते जाएं तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो यही जो है आरोही क्रम एसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं अवरोही क्रम की, अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, तो अवरोही क्रम को जो है अंग्रेजी में हम डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम भी इसको कह सकते हैं, घटते हुए क्रम में जिसको लिखा जाए। जैसे मान लीजिए कि हम 9 लिख दें, फिर 8 लिख दें, उसके बाद फिर 7 लिख दें, 6 लिख दें, 5 लिख दें, ऐसे घटते जाएं, यानी सबसे बड़ी संख्या पहले रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे हम घटते जाएंगे। और इसमें जो है आरोही क्रम में कि सबसे पहले छोटी संख्या रहेगी, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो अब इस पे कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए 12, 18, 31, 69, 42, इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखिए, ठीक। तो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन यहाँ से? तो आरोही क्रम का मतलब कि बढ़ते हुए क्रम, यानी कि इसमें से सबसे छोटी संख्या सबसे पहले हम चुनेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है, तो पहले 12 लिख देंगे। अब 12 से बड़ा क्या है, 18 है, तो 18 लिख देंगे। उससे बड़ा क्या है, 31 है, 31 लिख दिया हमने। उससे बड़ा क्या है, 42, 42 लिख दिया। उससे बड़ा क्या है, 69, तो हम 69 लिख दिए। तो ये जो हमारा क्रम है, एक बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये हमारा जो है आरोही क्रम है, ये आंसर हो गया हमारा। एक जो है अवरोही क्रम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 36, 19, 16, 42, 75, 106, इसको अगर हम कहें कि अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है, इसको अवरोही क्रम में लिखना। तो अवरोही क्रम का मतलब यह है कि घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या हम चुनेंगे कि बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 106 है, तो पहले 106 लिखेंगे। इससे छोटा क्या है, तो इससे छोटा 75 है, 75 लिख लेंगे। 75 से छोटा क्या है, तो 42 है, 42 लिख लिया। उससे 42 से छोटा क्या है, तो 36 है, 36 लिख लेंगे। 36 से छोटा 19 है, 19 लिख लेंगे। 19 से छोटा क्या है, 16 है, तो 16 लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा अवरोही क्रम। तो इस तरीके से हम जो है आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।